इस रियलिटी शो को जीतने के बाद बदल गई श्रेया घोषाल की किस्मत। श्रेया घोषाल श्रेया घोषाल की मधुर आवाज हर किसी को उनका दीवाना बना देती है। सिंगर श्रेया घोषाल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई बेतहरीन गाने दिए हैं। आज श्रेया घोषाल अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। श्रेया का जन्म 12 मार्च 1984 को हुआ था और आज वह 35वां जन्मदिन मना रही हैं। आपको बता दें कि करीब 4 साल की उम्र से सिंगिंग में ट्रेनिंग ले रही श्रेया बचपन से ही प्लेबैक सिंगर बनने के सपने देखा करती थी। 16 साल की उम्र में वे सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा में आईं। यहां उन्हें वो मंच मिला जिसकी उन्हें कब से तलाश थी। न केवल उन्होंने वह शो जीता बल्कि यहां वे फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की नजरों में भी आ गईं। श्रेया के टैलेंट को पहचान चुके भंसाली ने उन्हें अपनी फिल्म देवदास 2002 में गाने का मौका दिया। इसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। साथ ही बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर आरडी बर्मन न्यू म्यूजिक टैलेंट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसी तरह अपने लंबे सिंगिंग करियर में उन्होंने कई खूबसूरत गाने गाए हैं। आप तो बता दें कि श्रेया के रोमांटिक सॉन्ग्स दर्शकों को खूब पसंद आते हैं। इसके अलावा श्रेया के कई सैड सॉन्ग्स भी काफी पॉपुलर हुए हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम आपको उनके कुछ ऐसे गानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमेशा से आपके रोमांटिक पलों को खास बनाते आए हैं। फिल्म शोर इन द सिटी का यह रोमांटिक गाना दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म में राधिका आप्टे और तुषार कपूर ने अहम भूमिकाएं निभाई थी। साल 2003 में आई जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु की फिल्म जिसमें भी श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है। फिल्म का गाना जादू है नशा है उस दौर का सबसे ज्यादा पॉपुलर गाना बन चुका था। श्रेया घोषाल द्वारा गाए गए इस गीत को शाहरुख खान और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया है। श्रेया की सुरीली आवाज और शाहरुख कैटरीना की जबरदस्त केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। साल 2003 में आई संजय दत्त और विद्या बालन की फिल्म मुन्ना भाई MBBS में श्रेया घोषाल की आवाज में गाना पल पल काफी ज्यादा हिट रहा। फिल्म सिंघिज किंग का यह गाना आज भी दर्शक उतने ही शौक से सुनते हैं। आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की सुपरहिट फिल्म आशिकी 2 में श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी। फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे जिसमें सबसे ज्यादा सुन रहा है ना तू सबसे ज्यादा हिट रहा। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का गाना है। फिल्म जब वी मेट के इस गीत में शाहिद करीना की केमिस्ट्री बेहद पसंद की गई थी।